बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला है बिहार के भोजपुर जिले के आरा का, जहां एक फेसबुक पोस्ट को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। मुद्दा रहा नुपुर शर्मा का समर्थन। बताया जा रहा है कि दीपक नाम के एक शख्स ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया था, जिसकी चर्चा मंगलवार रात एक चाय की दुकान पर हुई और वहीं रईस नाम के एक शख्स की दीपक से लड़ाई हो गई। रईस को दीपक के पोस्ट से आपत्ति थी। दीपक और रईस के बीच हुई इस लड़ाई के बाद रईस अपने साथ करीब 20 से 30 लोगों को भी लेकर आया और बात जमकर मारपीट होने तक पहुंच गई। दीपक पर लात घूंसे बरसाने के बाद चाय की दुकान में भी तोड़फोड़ की गई और दुकानदार से भी मारपीट की गई। ना हुआ सर, मैं अपने दुकान पे था, एक लड़का उधर से आ रहा था, बोला कि दो लड़के यहाँ चाय पीने निकला, नीचे का लड़का था, उसको रुकवाया, बोला कि क्या है, तुम स्टेटस ऐसा ऐसा लगाया था, स्टेटस के कारण से विवाद थे। तो हम बोले कि भाई कई जगह रहना है, जाओ तुम अपना घर जाओ, तुम भी अपना घर जाओ, दोनों को छुड़ाया। उसके बाद दोनों को उसको भगा दिए, भाई क्या लड़ाई। हुआ कहा कि बोला हमसे कि तुम क्या है, भगा देते हैं भाई, एक जगह लड़ाई कर रहे थे, फोन करके बुलाने लगा था, फोन करके बुलाया था, लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसको मारने लगा था, बड़ी मार मारा था। हालात बिगड़ते देख लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। लोगों ने देखा होगा पिछले 25 दिनों से जो भी स्थिति प्रिवेल कर रही है, कभी कभार उसके अंदर तनाव की बात भी आई, कुछ स्टेट्स में इंसिडेंट्स भी हुए, लेकिन हमारी स्टेट के अंदर पूर्ण रूप से शांति है और कम्युनल फ्रंट पर हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन हमेशा से एक्सीलेंट काम करता है और आगे भी एक्सीलेंट काम करेगा। इस मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम और सहायक पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंचे। इलाके में गश्त बढ़ाई गई, पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस ने पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अमन शांति की व्यवस्था बरकरार रखने के लिए अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। प्रशासन पूरी तरह से सजग है और आपसी विवाद के इस मामले को कोई और रंग देना ठीक नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं है, अफवाह पे लोग बिल्कुल ध्यान न दें। और वो दो बच्चों के बीच आपसी झगड़े की बात थी, बाकी कोई बात नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सजग है और सब लोग आराम से शांति व्यवस्था से हैं, आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोग हिंसा का शिकार हो चुके हैं। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में 54 साल के केमिस्ट उमेश कोहले की 21 जून को हत्या कर दी गई थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से उनकी हत्या की गई। इसके बाद उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के एक टेलर की भी इसी वजह से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इन तमाम घटनाओं ने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम किया, लेकिन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए सही गलत का फर्क समझा और हत्याओं की जमकर निंदा की। अब बिहार में हुई इस मारपीट के बाद उम्मीद की जा रही है कि जनता एक बार फिर से समझदारी दिखाएगी और ये घटना धर्म का चोला ओढ़कर आगे नहीं बढ़ेगी।